नीटची परीक्षा उद्या रविवारी होणार आहे. या अनुषंगाने शनिवारी मां संतोषी वसतिगृहातील मुला मुलींना शहरातील नामवंत कोचिंग क्लासेसतर्फे मार्गदर्शन करण्यात आले. आय आय बी इन्स्टिट्यूट, कोणाळे कोचिंग क्लासेस आणि मोठेगावकर सरांच्या आरसीसीच्या वतीने मार्गदर्शन करण्यात आले. बाबानगर, श्रीनगर, राजेंद्रनगर आणि कैलासनगर येथील वसतिगृहातील मुला मुलींना मार्गदर्शन करण्यात आले. नीट परीक्षेबाबत विद्यार्थ्यांच्या मनात भीती राहते. वर्षभर नीट परीक्षेची तयारी करूनही विद्यार्थ्यांना अनेक शंका असतात. या शंकेचे निराकरण करण्यासाठी मां संतोषी वसतिगृहाच्या संचालिका जयश्री जयस्वाल यांच्या वतीने मार्गदर्शनाचे आयोजन करण्यात आले होते. विद्यार्थ्यांनी मनात भीती न बाळगता परीक्षा द्यावी असे आवाहन क्लासेसच्या प्राध्यापिकांसह वसतिगृहांच्या संचालिका जयश्री जयस्वाल यांनी केले आहे. बच्चों को थोड़ा सा मार्गदर्शन करने के लिए पूरी आरसीसी की टीम आज यहाँ पर माँ संतोषी बॉयज़ हॉस्टल के अंदर आई है. और बच्चों की लास्ट मोमेंट की जो स्ट्रैटेजी है, लास्ट मोमेंट में बच्चों की जो नर्वसनेस है, बस वो नर्वसनेस को कंट्रोल करें. और जो लास्ट का गेम है, बच्चों को पता ही है, लास्ट में बिल्कुल नर्वस नहीं होना है. इसी के लिए जो सारी टीचर्स, हमारी जो टीम है आरसीसी की टीम, ये बच्चों को बेस्ट ऑफ लक कहने आई है, मोटिवेट करने आई है. और लास्ट में जाकर के बिल्कुल बच्चे जो है अपने ट्रैक से भटके नहीं और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे, इसके लिए हम आज माँ संतोषी बॉयज़ हॉस्टल के अंदर भी आए और बस बच्चों से ऑल द बेस्ट कहने के लिए. ऑल द बेस्ट बच्चों आप सभी को. हर साल की तरह आरसीसी की टीम माँ संतोषी हॉस्टल पे नहीं, बाकी सब हॉस्टल में आती है. नांदेड़ में जितने भी हॉस्टल्स है, हर हॉस्टल से जाकर वो सारे बच्चों को मोटिवेट करती है, ऑल द बेस्ट बोलती है. और मोटेगावकर सर ने जो नांदेड़ में उनका यहाँ पे जो टीम लाई है, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और ये सभी बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी था. आने वाले भविष्य काल में सब एक साथ मांगने वाले थे. आज नांदेड़ में 30 से 35 हज़ार बच्चा आता है और वो बच्चा कहीं ना कहीं रहने के लिए आता है. तो वैसे यहाँ माँ संतोषी हॉस्टल, यहाँ पे 7 ब्रांच है माँ संतोषी, लेकिन हर ब्रांच पे सर आकर विजिट देते हैं. ये हमारा भाग्य और मेरे बच्चों को ऑल द बेस्ट बोलने के लिए आते हैं, ये हमारा सौभाग्य. कुछ नहीं, कल 17 तारीख को नीट है बच्चों की और 2 साल से बच्चे मेहनत कर रहे हैं. 2 साल से बच्चे मेहनत कर रहे हैं, कोई बच्चा रिपीट कर रहा है. ये 2 साल की मेहनत उनकी आज के डेट में लास्ट मोमेंट तक वो हार ना माने. ये उनकी, शायद उनके बच्चों की फ्यूचर का, उनके लाइफ का बहुत बड़ा एग्ज़ाम है. इसके साथ बच्चे ही नहीं, हालांकि माँ बाप भी उनके साथ में एग्ज़ाम देते हैं. माँ बाप तो देते हैं, लेकिन माँ संतोषी हॉस्टल का हर स्टॉप भी लगता है कि यहाँ पे आए वाला बच्चा हर कोई MBBS करे, BMS करे, जहाँ पर भी जाना चाहते वो जाए. और आशा करते हैं कि नांदेड़ में आने वाला बच्चा हर कोई डॉक्टर, कलेक्टर, इंजीनियर नहीं बना तो नहीं बना, कम से कम एक इंसान बन के जाए. मेरा नाम तुम्हें मनीष लश्करी है, मैं यवतमाल से हूँ. मैं नांदेड़ में फर्स्ट टाइम आया था यहाँ पे, तो हम बहुत घूमे थे, दिन रात घूमे थे हम लोग, तब जाके हमको संतोषी माता हॉस्टल में आने को मतलब मिला था. हम आए और अभी हमारा पेपर है कल, तो आरसीसी की टीम आई है हमारी यहाँ पे हमको मोटिवेट करने के लिए. हम मतलब मैं उनका बहुत थैंक यू बोलता हूँ. एज अ लास्ट टाइम पे एकदम ऐसा सुबह से बहुत ऐसा घबराहट टाइप हो रही थी, लेकिन सर लोगों के आने से थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और कल हम अच्छे से पेपर देंगे और हम कल अच्छे से पेपर देंगे और आने के